हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, ठीक है ना। तो आज हम आपके लिए एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल लेके उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं और आपके लिए हम बेहद नई नई जानकारियां ढूंढ के आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। और आप ढेर सारा प्यार हमको भी दे रहे हो, तो इस बार भी हम आपके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिकल लेकर के आए हैं जो करने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट होगा। और इस वाले प्रैक्टिकल में आपके लिए एक सवाल दूंगा, उस सवाल का जवाब ढूंढ के आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे आपने पिछले सारे प्रैक्टिकल नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे सारे प्रैक्टिकल का लिंक मौजूद है, तो वहां से आप उसको देख लें ताकि आप अभी अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, ठीक है ना। और सभी वीडियो को हमारे आप शेयर करना ना भूलें, ताकि मतलब कि सारे विद्यार्थी जितने भी हैं सब लोग कुछ ना कुछ सीखें यहां से, ठीक है ना। खाली ये नहीं कि अपने देख के बंद कर दिया, नहीं, आगे भी भेजो उसको, ठीक है, ताकि मतलब कि मोर देन ये नॉलेज फैले, ताकि लोग जाने इसके बारे में और कुछ सीख सके, बच्चे कुछ समझे कि हाँ भी कुछ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल को, देखते हैं पहले क्या क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं। तो आप लोग देखें कि हम बैग से अपने क्या क्या सामान निकाल लें और आपके लिए क्या क्या जरूरी है। इस प्रैक्टिकल को आप अपने घर पर कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो हमारे पास है, ये देखिए आप, एक मिनट, कोई बात नहीं। ये देखो हमारे पास कुछ गुब्बारे हैं, और गुब्बारे हालांकि मैंने दुकान से लिए हैं ना बेटा, तो मेरे दुकान वाले ने मुझे ठग लिया है, मेरे गांव के दुकान वाले जो है ना। अब क्या बताऊं मैं आपको इसके बारे में, ये छोटा मोटा गुब्बारा दे दिए सब, मतलब कि अब प्रैक्टिकल हमको कराना ही खैर था, हमको प्रैक्टिकल तो आपको कराना ही था। और ये देख सकते हो हमारे पास गुब्बारा है और एक हमारे पास बॉटल है, एक हमारे पास क्या है, बॉटल है। हालांकि मुझे ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं मिला, लेकिन हमको कुछ सिखाना है आपको, तो हमने कुछ भी जो मिला आपने आपके लिए लेके आया है। और हमारे पास क्या है, ये बॉटल है, ये गुब्बारे हो गए, और ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसे आप कहते हो, बेकिंग सोडा कहते हो, है ना, बेकिंग सोडा, आई मीन खाने वाला सोडा, किसी भी किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगा यह चीज़, ठीक है ना। और हमारे इस कैरी बैग में और क्या है, सबसे बड़ी बात हमारे पास है सिरका। सिरका मैंने बगल वाले घर से मांगा है, तो सिरका भी थोड़ा मोड़ा मिल ही गया है, ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा सिरका भी हमको मिल गया है। तो क्या इस बात को आप देख पा रहे हो, मैं एक बार देख लूँ, तो आप सभी चीज़ों को हमारे देख रहे हो ना, सब चीज़ हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है, सिरका है, और हमारे पास क्या, एक कागज़ का टुकड़ा है। कागज़ का टुकड़ा नहीं रहेगा तब भी काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो और मेरे पास क्या है, मैं बता दूँ आपको, रुक जाइए थोड़ा माइक सही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। आप मेरे पास स्पून है एक, और स्पून देखो ब्लीचिंग पाउडर सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, मतलब कि आप अगर इसका यूज जानते हो तो, अगर आपके घरों में दाल नहीं गलती है तो इसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर मिला के डाला था, दाल जल्दी गल जाती है ना। तो मेरे पास इतने सारे चीज़ हैं, गुब्बारा मुझे थोड़ा सा कमी डाल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास बड़े गुब्बारे जो होंगे तो और बेहतर कर पाओ। करना क्या है, पहले आप इस सिरके को लगभग, मतलब कि सिरका देखो इसमें आधा डिब्बा भरा हुआ है, आप इसको सिरके को इस वाले बॉटल में पहले भरोगे ऐसे, ठीक है ना। ये देखो ज़रा, ये सिरका हमारा क्या हुआ, ये बॉटल में भरा गया कुछ ऐसा, ठीक है ना। इतना सिरका बहुत है, कोई बात नहीं है। सिरका मतलब कि कहने का मतलब एक छोटा सा कप चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद करना क्या है बच्चों हमको, उसके बाद करना है कि ऐसे कागज़ का टुकड़ा आपको उठाना है, और कागज़ के टुकड़े में एक चम्मच आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दो इसको, ठीक है ना। एक चम्मच ब्लीचिंग पाउडर पड़ गया, आप इसको फोल्ड करके बढ़िया से, अब ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा मतलब कि डाल, ये फोल्ड क्यों करते हैं कागज़ को, ताकि तुरंत तो ना मिक्स हो, मतलब कि तुरंत सिरके से मतलब कि रिएक्शन ना करे, तुरंत सिरके से रिएक्शन ना करे, इसे थोड़ा सा मोड़ के इसको डाल दें, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, इसको इस बॉटल में हमको घुड़ेसना है आराम से, इतना मतलब मोटा है फोल्डिंग हो कि इसके अंदर आराम से चला जाए, ठीक है ना। और एक गया सिरके के अंदर, और जस्ट जो ये अंदर जा रहा है, तुरंत आपको करना क्या है, तुरंत करना है कि इस गुब्बारे को इसके कैप के अंदर लगा देना है कुछ ऐसा, फटाक से काम करना पड़ेगा आपको कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब देखो जरा, हमारा लग गया गुब्बारा, ये देखो अभी फूला नहीं है ना, अभी जस्ट फूलने ही वाला है, ये देखो जरा फूला नहीं है अभी, गिरा हुआ ना, देखो जरा, हाँ गुब्बारा अगर आपने देखा तो ये फूल रहा है ना। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर दो, ताकि वो मतलब कि मैच कर ले,
मतलब कि वो रिएक्शन कर ले, जो कागज़ मुड़ा हुआ है ना तो वो थोड़ा रिएक्शन कर ले, देख रहे हो ना गुब्बारा। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा मेरा गुब्बारा छोटा है, बस गुब्बारा छोटा होने ना तो छोटा फूल रहा है, अगर बड़ा मैंने कहा ना ठगा गया हूँ मैं आज यार, ठगा गया हूँ। तो अगर मेरे पास बड़ा सा गुब्बारा होता तो बड़ा सा फूलता है, जान लो आप, देखो इसकी अपनी क्षमता के सारे फूला हुआ है, ठीक है ना। और अभी देखते हैं थोड़ी देर और, जब तक रिएक्शन करेगा ना तब तक वो फूलेगा। तो आपका होमवर्क यही है, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में यही बताना है कि सिरका और ब्लीचिंग पाउडर जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक है ना। ये क्यों फूला, क्योंकि यहाँ से गैस निकल रही है, जब मिक्स कर रहा है ना गैस निकल रही है। लेकिन आपको हमको यही बताना है, आपका होमवर्क आज इस प्रैक्टिकल में यही है कि जब सिरका और मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर मिक्स होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो दैट टाइम कौन सी गैस बनती है, आपको हमको यही बताना है। तो और हमको ये बताना है कि हमारा ये वाला प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में फटाक से बताएं। आप इस बात को अगर देख पा रहे हो तो देख रहे हो ना फटाक से फूला हुआ, अरे बड़े मजाक चीज़ है तो जी, है ना। तो देखो जरा थोड़ा मोड़ा और फूलेगा, ज़्यादा नहीं, मेरा गुब्बारा जो छोटा है ना देखो फैल गया पूरा, अभी फूटने वाला ही हो सकता है। तो क्योंकि गांव में मतलब दिक्कतें होने के नाते इसमें चूँकि लॉकडाउन भी चल रहा है तो मार्केट जाना मुनासिब नहीं समझता मैं, तो जो मेरे पास था मैंने वो प्रैक्टिकल आपको करा दिया। इसको थोड़ा मोड़ा और हिला सकते हो, सेक करो, मतलब ताकि कागज़ अंदर खुला हुआ हो, कागज़ अंदर क्या हो खुल जाए बढ़िया से, और यहाँ पे रिएक्शन बढ़िया से हो, मैं तो ये बोलूँगा आपसे। तो आप देख रहे हो ना अभी मतलब कि फूल चुका जो फूलना था इसको, तो ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा गैस यहाँ पे बन रहा है, आपका होमवर्क यही, और हमारा ये मतलब प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा हमको आप ये बताएंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपके साथ एक नए ही बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए आप फिर से पढ़ते रहो, छुट्टियों का आनंद उठाते रहो, और बीमारियों से बचो, बीमारियों से बचने के लिए आप टाइम पे भोजन करो, भरपूर भोजन करते रहो, ठीक है ना, और गर्मी का मौसम है थोड़ा बचा के, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।